अस्सलाम वालेकुम, मैं सैफुद्दीन शेख। और आज दोस्तों एक नया चीज़ दिखाएंगे, ये अवेलेबल नहीं है और ये सारा इंडिया ढूंढने से शायद आपको 20-25 पौधे मदर प्लांट मिलना मुश्किल ही है। तो हमें मिल गया इसका थोड़ा बहुत जानकारी। बहुत दिन पहले से मेरे को ऑर्डर मिलता था कि ये लो ये जो गोल्डन पपीता का, लेकिन अवेलेबल नहीं था। सबसे बड़ी बात इसका जो है ना, इसका मिट्टी जो है इसका ऊंचा करके बिठाना है। इसका नीचे पानी किसी भी हाल में ना बैठे। अगर पानी बैठे तो इसका रूट में पचन आने की चांस ज़्यादा है। तो आपको ऊँचा करके बिठाइए, पानी इसका कम लगता है। और ये सबसे बढ़िया होता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, बारिश की पानी में ये सबसे बढ़िया बनता है। इसका ये देखिए वेट जो है लगभग 5 से 6 kg जैसा होगा वो। अरे शुरू से ये जब छोटा है तब से ये गोल्डन कलर का बनता है, और ये जब पक जाता है ना तब ये ब्राउन कलर की बनता है। और इसमें आप देखिए सिर्फ कितना फल आता है। ये तो है ये एस वन है, और पीछे जो है वो एस टू है। ये दो वेराइटी है, मलेशियन का दो वेराइटी है पपीता का। एस वन ये लंबा होता है, और जो बंगाली में बोलते हैं कि रांची पपीता जो होता है ना वो लंबा होता है, उस हिसाब से ये भी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है और ये स्वादिष्ट ज़्यादा होता है। एस टू से ज़्यादा स्वादिष्ट एस वन होता है। और एस टू का मैं दिखा रहा हूँ इसके बाद, उसमें पका पपीता भी है लेकिन काटने का कुछ मिला नहीं हमें। ये आपका एस टू, ये इतना लंबा नहीं होता, इतना बड़ा भी नहीं होता। ये देखिए इसका साइज़ कैसा है, मतलब हाइस्ट आपको 3 kg तक मिलेगा, इसके ऊपर नहीं है। ये एक पका हुआ पपीता भी है लेकिन काटने का कुछ मिला नहीं, तो हम आपको दिखाए कैसे। लेकिन कोशिश है आज नहीं तो कल, नहीं तो 1-2 महीना बाद हम आपको, जब अपना ही मदर प्लांट से बनना शुरू कर देगा, मैं काट के बहुत बढ़िया से आपको दिखाएंगे कि ये पपीता कैसा है। और भी नर्सरी का 2-4 लोगों को खा के खिला के भी दिखाएंगे, मतलब उनसे भी जानेंगे कि स्वाद कैसा है इसका। लेकिन इसका हाँ, हम लोगों का देसी वेराइटी में जितना इसके अंदर बीज होता है, इसमें बीज थोड़ा कम है, बहुत कम है, जो अपना देसी वेराइटी जो होता है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अपना देसी वेराइटी जो है वो सबसे ऊपर है, मतलब दुनिया में जितने भी वेराइटी है देसी वेराइटी से भी बढ़िया कोई वेराइटी नहीं होता है। लेकिन ये अपना देसी वेराइटी है, इसको बोलते हैं हम लोग बंगाली लोग बोलते हैं क्या, रांची पपीता, रांची पेपे बोलते हैं एक हिसाब से, लेकिन रांची पपीता है। और स्वाद में सबसे बढ़िया होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अपने लिए बहुत ही मतलब रेयर वेराइटी है ये, और इतना अवेलेबल भी नहीं है। तो जो भी मुझसे ऑर्डर करे 2 पीस से ज़्यादा ऑर्डर मत करिएगा, क्योंकि मैं 2 पीस देंगे लेकिन ज़्यादा लोगों के पास देना है। अगर सिर्फ आपको मिलेगा और ज़्यादा और लोगों को नहीं मिलेगा तो ये हाँ। और ये जो है ना इसका प्राइस लिस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि महंगा ये रेयर वेराइटी में है, ये थोड़ा महंगा है, ठीक है। तो मेरा तो कोशिश है, मैं भी तो लगाएंगे मदर प्लांट बनने के लिए, मेरा कोशिश है और भी जगह थोड़ा फैल जाए ताकि हम भी इस वैरायटी के ऊपर आगे बढ़े।